एक स्नैक हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्नैक्स कहीं भी खाया जा सकता है। लड़कियों, तुम्हारा वर्कआउट पहले से शुरू हो चुका है, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल कोच, एक मिनट। जो कोई भी स्वीट्स का शौकीन है वो एक सख्त कोच की उपस्थिति में भी कैंडी खाने का तरीका ढूंढ लेता है। कोच को कभी पता नहीं चलेगा कि ये लेसेस नहीं है। वाह, क्या तुम्हारे पास लेसेस के बजाय लिकोरिस है? बढ़िया। हे, मेरा क्या? लड़कियों, अगर तुम अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो आलसी मत बनो, कैरल जारी रखो। रुको, मेरे जूते खुले हैं। ओह गुडीज। लूसी, अपने स्वीट्स अभी यहाँ से ले जाओ। खैर, तुम्हें इसका सबक मिला, तुम्हें मेरे स्वीट्स चुराने नहीं चाहिए थे। लाइब्रेरी में खाना छुपा कर ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एलिन ने इसका हल निकाल लिया। मुझे लगता है कि उसे कुछ शक है। कितना असामान्य विग है, मुझे इस लड़की पर नजर रखने की जरूरत है। फिर वो बहुत करीब थी, मुझे आशा है कि उसने कुछ नहीं देखा। ये स्वादिष्ट स्मेल कर रहा है। हाँ, मुझे पता था कि ये पास्ता है। चिंता मत करो एलन, तुम्हारी मैक्रोनी विग दो लोगों के लिए काफी है। मेरा घोड़ा पहले भाग रहा है, चलो स्वीटी, वो इसे जरूर जीतेगी। मुझे भूख लगी है, ये अच्छा है कि मैं तैयारी के साथ आई हूँ। हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है। ऐसी टोपी के साथ ये लड़की कभी भूखी नहीं रहेगी। खैर, हो गया। ये लो। शुक्रिया। हुर्रे, बॉन एपेटी। क्या उसकी टोपी ब्रेड से बनी है? मुझे भी एक चाहिए। ऐसा लगता है कि हर कोई इस तरह की स्वादिष्ट एक्सेसरी का इस्तेमाल कर सकता है। ये रहा आपका सैलेड। हेलो, हाँ मैं एलन हूँ, मैं एक मिनट में आया। मुझे सैलेड पसंद नहीं है, ये अच्छा है कि एलन बाहर है। बर्गर, तुम्हारी बारी है। ओह, ये काफी बेहतर है। तुम्हारी सलाद का क्या? वह तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं ठीक हूँ, ये बर्गर है, ये लो। ऐसा लगता है कैरल को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी ब्लैकबोर्ड पर लिखा है वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। स्टूडेंट्स की बॉडी को पढ़ने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। मुझे कैंडी चाहिए। मेरे प्यारे छोटे मोती, क्लास में खाना नहीं, तुम इसे हमारे लेसन के बाद ले सकती हो। ये अफसोस की बात है कि ये सभी टीचर्स नहीं समझते हैं। निराश मत हो जूलिया, मैं तुम्हारे साथ अपने स्वीट्स शेयर करती हूँ। ये लो। वाह, शुक्रिया कैरल, कितना शानदार लाइफ हैक है। तुम स्वीट की तरह क्यों स्मेल कर रहे हो? मुझे नहीं पता। ओह, ब्लेस यू। याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये काम किया। खैर, भूखे स्टूडेंट्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगर कैरल भूखी है तो उसे कुछ नहीं रोक सकता। मुझे ये कैंडीज पसंद है। लड़की, तुम्हें यहाँ नहीं खाना चाहिए, अगली बार बिना स्वीट्स के आना, हमारे पास यहाँ साइन है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रुको, ये क्या है? ये मेरा पर्स है, देखो। खैर, फैशन मेरा प्रोफेशन नहीं है। उसने कहा कोई स्वीट्स नहीं, तो मैं कुछ सूप ले आई।
हर रोने वाली माँ को पता है प्रेगनेंसी के दौरान दो लोगों जितनी भूख लगती है और तुम्हें किसी भी समय भूख लग सकती है। मुझे भूख लगी है, मेरे घर में कुकीज है और मेरे पति भी वैसे घर में है। मेरे पास एक आइडिया है हनी, मैं अभी भी योगा कर रही हूँ लेकिन मैं कुछ स्वादिष्ट चाहती हूँ, क्या तुम ले आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। ओह वो कहाँ है? सभी को हेलो, मुझे मेरी कैंडी दो। क्या वो अपने गर्भवती पत्नी के लिए कुछ खाना छुपा कर लाने के लिए गर्भवती होने का नाटक कर रहा है? लगता है ये होने वाले पापा अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी झेल सकता है। मुझे और दो ये कुकीज। मेरा दुनिया का सबसे अच्छा पति है और मेरे इंस्ट्रक्टर ने कुछ भी नहीं देखा। आज के लिए योगा काफी है, हम जा रहे हैं डियर। जूलिया कैसी हो? ये क्या है? ये मेरा नहीं है। स्वीट हार्ट तुम बहुत खूबसूरत हो। बस बिखरो तुम। शुक्रिया, अच्छे स्वभाव के लिए शुक्रिया। ये रहा हमारा मेन्यू। फैंसी रेस्टोरेंट में डेट पर ज्यादा प्राइजेस बेकार सरप्राइज हो सकता है। जरूरी चीज है इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना। सब कुछ बहुत महंगा है, मैं अभी आया। लेकिन खैर मैं थोड़ा इंतजार करती हूँ। ये तुम्हारे लिए जूलिया। कितना प्यारा है, नजदीकी से देखो। ये स्वीट्स है। शुक्रिया डार्लिंग, ये लो। खैर प्यार में एक आदमी किसी भी स्थिति का रास्ता ढूंढ लेता है। महंगे खाने की बजाय स्वीट्स का एक गुलदस्ता बहुत बढ़िया है। ये आपका पानी, क्या वो फूल खा रहे हैं? ये अजीब है। बैठो बेयर, हम अपना पसंदीदा कार्टून देखने जा रहे हैं। ऐसे मुलायम साथी के साथ मूवीज पर जाना एक खुशी की बात है। आखिरकार अपनी पसंदीदा स्वीट्स की एक बड़ी मात्रा को छिपाना आसान है, बस उसकी खुद की टिकट्स खरीदना ना भूलें। ठीक है, ये खाने का समय है, मैं कैंडी से शुरू करूंगी। वो बहुत स्वादिष्ट है। हे कैंडी शेयर करो, ये लो। बस इतनी सी, लालची मत बनो। ठीक है ये लो, आपकी शाम अच्छी हो। मुझे लगता है सब चले गए, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह नहीं, फिर से विजिटर्स नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गई। ये तस्वीर को देखो, वार्म शेड्स आपको खुश कर सकते हैं। ये हमारी नई एग्जिबिट है, ये एक फेमस कंटेम्पररी फ्रेंच आर्टिस्ट का काम है। ये बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर और शानदार है। यहाँ हमारी गैलरी में और भी कई दिलचस्प चीजें हैं, तुम्हें वो सब पसंद आएगी। आखिरकार मैं स्नैक खा सकती हूँ, मुझे मॉडर्न आर्ट पसंद है। ओह कितना स्वादिष्ट केला है। तो मैं नवविवाहित को शुभकामनाएं देता हूँ शादी के पवित्र बंधन के साथ। इस खूबसूरत जोड़े को एकजुट करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। ओह खैर हम यहाँ फंस गए हैं, खाना कब शुरू होगा? मुझे भूख लगी है। वो खूबसूरत लग रही है। एलन रॉजर्स, क्या तुम इन्हें कानूनी तौर पर अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? सुख दुख में साथ देने का वादा करते हो? बहुत हुआ, ये मेरी छिपी हुई चीजों को खाने का समय है। तुम्हारा जीवन स्वादिष्ट कैंडी से भरा हो, अहम माफ करे, खुशी के पल से भरा हो। मेरे कीमती बोलते रहो फादर। आखिरकार ओह वो क्या कर रही है? मुझे भी एक चाहिए। अच्छे आकार में रहने के लिए इन टिप्स का पालन करो। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को पता है कि हर किसी को समय पर खाना चाहिए। तुम्हें खुद के कोर्सेज के दौरान भूख लग जाए। इस मामले में मेरी पसंद कैंडी नेकलेस है। हाँ मुझे इसे खाने की अनुमति है। ये स्वादिष्ट है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। लिखते रहो, जब तक मेरे स्टूडेंट्स कुछ नोटिस नहीं करते हैं।
ओह ये बढ़िया स्वाद। तो क्या तुम्हें ये समझ आया? बहुत खूब। परफेक्ट बॉडी पाना इतना मुश्किल नहीं है। आज शुरू करो और तुम सफल हो जाओगे। और दोस्तों कम शुगर खाओ। गुड लक। क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? फिर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों।